हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर नंबर 3। हम इसको डिस्कस करेंगे और यहां पर हमें बात करनी है, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी आपसे मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की, उसके प्रॉपर्टीज की। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। हम कैसे ट्रांसपोज फाइंड करेंगे इसकी बात करते हैं। ऑल राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज मतलब क्या है उसको देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक ना। ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, मैंने ये कह दिया, ओके ना। ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी? 2x2 की मैट्रिक्स है, ओके ना। इसमें मैंने 2x2 की एक मैट्रिक्स ले ली। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ठीक ना। ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंजिंग चेंजिंग रो इनटू कॉलम। सिंपल, रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना, ये कहलाता है ट्रांसपोज। ठीक, और ट्रांसपोज का सिंबल है ए टी, ये मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे या ए डैश लिख लेते हैं, ये कहलाता है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिए, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दिए, तो ये क्या है, ए और सी। तो ये ए और सी हो गया, रो ये कॉलम था, रो हो गई। यहाँ क्या था, बी और डी, तो ये हो गया बी और ये हो गया डी। ये कौन था, ये भी कॉलम था, ये हो गया रो में आपका। क्लियर हो गया इसमें। जैसे एक और मैट्रिक्स मैंने कह दिया 3x3 की बात करें, तो 2 3 5 1 0 2 0 2 8 ऐसे लिख लिया। अब हमें फाइंड करना है इसका ए ट्रांसपोज, तो सिंपल ट्रांसपोज में क्या आएगा, एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 1 0 एंड 3 0 2, ठीक ना। ये क्या आएगा, 5 2 और 8, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा आपको, ट्रांसपोज मतलब नथिंग बट सिंपली चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, ओके। तो ये हम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ना। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होती है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होती है। तो क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, जरा हम बात करते हैं, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखिए भाई। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक। लेट कैपिटल ए बी अ मैट्रिक्स, ठीक। कैपिटल ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए जो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका भी ट्रांसपोज ले लें, तो ये क्या आता है, सेम वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक। दूसरी बात, अगर हमने एक मैट्रिक्स ए ली, दूसरी मैट्रिक्स बी ली, लेट ए एंड बी आर, ठीक, ऐसे करते हैं, लेट ए एंड बी आर मैट्रिक्स, ओके। सो ए प्लस बी अगर लिया है, इसका अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये सिंपली क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर थर्ड इसकी बात करें, हम यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी मल्टीप्लाई में, इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो याद रखने वाली बात ये है, ये क्या आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक। हमें हमेशा यही गलती होती है, इसमें आप याद रखिएगा, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो होप ये इतना क्लियर होगा होगा आपको, इसकी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी, ठीक ना। तो अब आगे हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन भी मैंने ट्रांसपोज का आपको बता दिया करने। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनवर्स, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसीलिए बेसिक चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके ना। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं इनको समझते हैं। ओके, फर्स्ट वन अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स बेटा जिसमें हम ट्रांसपोज फाइंड करें और ट्रांसपोज फाइंड करने पे मैट्रिक्स का रिजल्ट वही आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है आपकी ट्रांसपोज सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक, लेट अस सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, और आपने इसका क्या फाइंड किया ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद ये आया क्या ए आ गया, ठीक, आपने ट्रांसपोज फाइंड किया और आया क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी वही मैट्रिक्स आ गई, तो इस टाइप की मैट्रिक्स कहलाती है आपकी कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप फाइंड करें ट्रांसपोज और ट्रांसपोज करने पे वही रिजल्ट आ जाए वही मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतना। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, या और आप समझ लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, 4 लिख लिया, -6 लिख लिया, और यहाँ पर हम 4 लिख लें, 3 लिख लें, 2 लिख लें, और -6 लिख लें, ये 2 लिख लें एंड 5 लिख लें, ठीक, ये मैट्रिक्स है। इसमें आप देखिए डायगनल के करस्पॉन्डिंग, ये जो डायगनल है हमारा, ठीक, डायगनल के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं, ये जो 4 लिखा है यहाँ पे, तो डायगनल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट आप देख रहे होंगे, ये अगर सेम है, ये 4 ये भी 4, -6 -6 ये भी, ये और ये डायगनल के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट लिखे हैं उनका अगर साइन चेंज नहीं है, सेम लिखा हुआ है, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका ऑलवेज कौन सा मैट्रिक्स आएगा, चाहे तो करके देख लीजिए, यहाँ पर आप ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1, 4, -6, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ तो 1, 4, -6 आएगा, और ये क्या आएगा 4, 3 और 2, और जब इसको लिखोगे तो आप -6, 2 और 5, तो क्या कोई चेंज हुआ उसमें, नहीं आया, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है वो अगली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका रेसिप्रोकल, ठीक, ये क्या मतलब, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, सॉरी कहीं कहीं बुक में यहाँ पे 1 भी लिखा मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज निकाले और आए क्या माइनस ए आए, तो मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी कौन सी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, राइट, तो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो मैट्रिक्स हमारे पास है, सपोज एक ए मैट्रिक्स है 0, 5, 3 और मैंने लिखा है -5, 0, -6 एंड दिस इज ऑल्सो -3, 6 एंड 0, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0, 5, 0 है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है डायगनल के, ये 5 है तो दूसरा -5, ये 3 है तो दूसरा -3, ये 6 है तो दूसरा -3, अगर आप फाइंड करेंगे यहाँ ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज करने पे आएगा देखिए 0, -5, -3 और यहाँ क्या आ रहा है 5, 0 और 5, 0 by 5, 0 और 6 ये आएगा एंड 3, -6 और 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है एक माइनस टर्म मिल जा रहा है, ऑलराइट ना, अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें बाहर तो बाहर माइनस आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5, ये -3, ये 5, ये 0, ये 6, ये 3, ये -6 और ये 0, ये आएगा। अब इसकी जगह हम ए लिखेंगे वापस, ये जो मैट्रिक्स था इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -6, अगर ए ट्रांसपोज -6 के बराबर है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना, आई थिंक मैट्रिक्स में या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ट्रांसपोज भी अच्छे समझ आ गया होगा, आई होप इतना समझ गए आप, ठीक। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे इसके एलिमेंट्री
ऑपरेशन की, जिससे सीबीएसई में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे वो लॉन्ग में दे दें या 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन पे तो तय है, श्योर है, वो आता ही आता है। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसकी। थैंक यू।